गलवान घाटी में तनाव बरकरार है, दोनों देश आमने सामने है, हमारे बहादुर फौजी शहीद हुए हैं, लेकिन तनाव कम होने का नाम नहीं। इस विषय में बात करने के लिए फिलहाल हमारे साथ जनरल डीबी शेकटकर है, जो के शेकटकर कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कोर भी संभाली है, और जो 1993 में भारत और चाइना के बीच में जो पीस प्रस्ताव हुआ, उस प्रस्ताव को ड्राफ्ट करने में वो एक मेंबर भी रह चुके हैं। सर, क्या कहेंगे, कहां चूक हो रही है, भारत ने क्या करना चाहिए? ये जो आपने प्रश्न पूछा है, उसमें जो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना पड़ेगा कि 1991 में दोनों देशों के बीच में जो एक मतभेद चल रहा था, जो एक दुश्मनी की बनी थी, उनको सुधारने के लिए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया। उस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का काम था कि चीन और भारत के बीच में जो मतभेद हैं, जो समस्याएं हैं, उनका सुलझाव करना। वो केवल बाउंड्री तक ही नहीं था, बाउंड्री के अलावा और भी बातें थी, बैंक था, फाइनेंस थे, बहुत से मुद्दे थे, तो उन पर हम लोग काम कर रहे थे। और ये 93 के जनवरी के महीने में या फरवरी में एक प्रस्ताव आया, एक ड्राफ्ट बनाया गया। तो वो जब ड्राफ्ट हमारे पास में आया, तो मैं और हमारे जो सहपाठी थे, हमने बैठ के काम किया, उस पर पूरा पढ़ा, दो बार तीन बार पढ़ा। और इसके पहले जिन जिन देशों के साथ चीन का ज़मीनी सुझाव हुआ था, उनको भी हमने पढ़ा कि किस तरह से चीन ने अपना मसला हल किया है। वो करने के बाद में हमारे ध्यान में आया कि वहाँ एक शब्द था पैराग्राफ नंबर 1 में और पैराग्राफ नंबर 2 में, एक लाइन थी, दोनों पक्ष जो हैं, माने भारत और चीन, लाइन ऑफ कंट्रोल का सम्मान करेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा का, जैसे हमारे पाकिस्तान चीन इंडिया के बीच में है। उसमें हमने एक शब्द जोड़ने की कोशिश की, उसका था कि बोथ साइड विल रिस्पेक्ट द एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल, जो वर्तमान लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसका हम सम्मान करेंगे। एक शब्द केवल, बाकी पूरा प्रस्ताव ठीक था उसमें। यदि वो शब्द डाला गया होता उस समय भी, तो आज जो ये रोज का झगड़ा तू तू में हो रही है, ये सब बंद हो जाता, क्योंकि जो सेनाएं जिस जगह पर थी उनका वो सम्मान करती, और दोनों सेनाओं के बीच में जो भूभाग खाली था, दैट बिकम्स ए बफर जोन, वो खाली इलाका होता है, ना चीन वहाँ आता ना हम जाते, और जब ये चीना समझौता होता, जो जिसका क्षेत्र है उसको मिलते हैं। इसके ऊपर से एक मैं आपको कहावत बताता हूँ, और वो इस बात से लागू होती है, वक्त ऐसा भी देखा है तारीख की घड़ियों में, वी हैव सीन सच चेंजेस ऑफ लाइफ इन द हिस्ट्री, वक्त ऐसा भी देखा है तारीख की घड़ियों में, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। 93 में जो हमने गलती की, खता की है, आज 2020 तक हम कर रहे हैं। चाइनीज ने एक अच्छा, माने उनकी तरफ से एक सिस्टम निकाला है कि वो पहले आएंगे 3 किलोमीटर आपके क्षेत्र में, फिर हमारी आपकी बात होगी, कमांडर्स वहाँ बात करेंगे, बोलेंगे आप पीछे जाइए, तो जो 3 किलोमीटर अंदर आए थे वो 2 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे। पर ये आप भूल जाते हैं कि 1 किलोमीटर उनके हत्ते में है ना। ऐसे बढ़ते 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 अभी भी जो गलवान में जो होगा, यही होने वाला है कि वो बोलेंगे थोड़ा आप पीछे हट जाइए, परंतु जो जहाँ तक वो आ गए हैं, वो इलाका तो अब चीन के कब्जे में हो गया ना। ये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये पिछले 2-3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 2 साल पहले जिस क्षेत्र में वो आ गए थे, वो क्षेत्र तो चीन का हो गया ना, वहाँ तो रास्ते बना रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी, 1, 2, 3, 4, पेट्रोल 5, 14, ये सब थे क्या पहले चीन के पास में, ये थे क्या उनके पास में, ये तो भारत के हक थे ना। लेकिन हम आँख बंद करके बैठे रहे धृतराष्ट्र की तरह, ख्याल नहीं किया, और उसका नतीजा आज की सरकार को भुगतना पड़ रहा है, आज के सैनिकों को भुगतना पड़ रहा है, हमारे नौजवान तरुण मारे जा रहे हैं वहाँ पर इसी बात के ऊपर से, ये एक बड़ी चिंता की बात है। सर, ऐसे भी निवृत्त अधिकारी है जो ये कह रहे हैं कि जब ये जो तनावपूर्ण माहौल है इंडिया और चाइना के बीच में, तब वहाँ पर हमारे जो फौजी है वो आर्म्ड क्यों नहीं थे, उन्हें शस्त्र लेकर क्यों नहीं गए? क्योंकि जो एग्रीमेंट है 1996 का, 1996, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोनों पार्टी जो है बात करने के जब आते हैं तो उनके साथ शस्त्र नहीं होंगे, इट इज देयर, और कोई यूज ऑफ फोर्स नहीं होगा, हथियार नहीं है, ये कहना ठीक है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति कुछ भी बोल दे,
उसकी बात है, पर हम लोगों ने जिन्होंने काम किया है सेनाओं के बीच में, और हम क्लेम करते हैं कि हमने 30 साल नौकरी की, हमने 25 साल नौकरी की, हम यहाँ थे, हम वहाँ थे, मुझे लगता है थोड़ा शर्म करना चाहिए अपने ऊपर, पहली बात। दूसरी बात है, जैसा आपने अभी पूछा मेरे को, मुझे पता नहीं कौन है जिसने बोला हमको आर्टिलरी फायर मंगाना चाहिए, एक मैं अंदाज लगा सकता हूँ। ऐसा कहा है कि उस रात आर्टिलरी फायर क्यों नहीं मंगाया, या मंगाना चाहिए था? आप प्रश्न कर रहे हैं, आप मतलब उन सेना के अधिकारियों से प्रश्न कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आर्टिलरी फायर हम कब मंगाते हैं? जब युद्ध चलता होता है तब। ये घोषित युद्ध तो वहां नहीं है कि भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में घोषित युद्ध हो गया है, वहां पर जो है बातचीत के लिए लोग गए थे वहां पर। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हमारे एक SOS भी बोलते हैं, सेव अवर सोल, कि जब आर्टिलरी फायर आप अपने ऊपर भी मंगाते हैं, पर रात के अंधेरे में जहां आप एक दूसरे से पत्थर मार के लड़ रहे हैं, अगर चीन के लोग मारे जाएंगे तो हमारे लोग भी तो मारे जाएंगे ना, उसमें बेकसूर मारे जाएंगे, क्योंकि आप करेक्शन तो उसमें दे नहीं सकते कि आप 50 गज दबाई तरफ फायर कीजिए, 100 गज दाएं तरफ फायर कीजिए, इसको हम बोलते हैं फायर करेक्शन ऑर्डर्स। तो कहना बात अलग है, आर्टिलरी का फायर क्यों नहीं मंगाया, आपने क्या किया जब आप वहां थे? यदि आप ये क्लेम करते हैं कि आपने उस क्षेत्र में काम किया है, क्या आपके सर्विस कॉल में कभी आप वहां गए, कभी उतरे वहां हेलीकॉप्टर से, कभी आप 2 दिन वहां रहे हैं? यदि नहीं रहे तो आपको पता क्या चलता है, कैसे चलता है? मैं दिल्ली में बैठ के किसी अखबार में लेख छाप दूं कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, वो बात दूसरी है। मैं TV चैनल में बोल दूं, नहीं नहीं अगर मैं होता तो वो करता, आप थे तो आपने किया क्या वहां पर? जो कहा जा रहा है कि शस्त्र नहीं लेकर गए, वहीं पर राष्ट्र मंत्री ने कहा है कि नहीं, हमारे फौजियों के पास शस्त्र थे, वो साथ में वहां लेकर गए थे, तो फिर किस पर विश्वास रखना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही आपसे बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप बोलते हैं कि हमारे सेना के जवान शस्त्र लेके नहीं गए, हमारे परराष्ट्र मंत्री भी जो 24 घंटे रक्षा मंत्री, सेना अध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनके संपर्क में है, लगातार उनकी बातें होती हैं, संरक्षण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय जो है और परराष्ट्र मंत्रालय जो है, ये आज के समय में दिल्ली में राउंड द क्लॉक 24/7 काम करते हैं। अब जो 10 भारतीय फौजियों को उन्होंने रिहा किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? रिहा क्या मतलब, उन्होंने मुझे नहीं लगता वो कैद किया होगा, रात के अंधेरे में हमारे भारतीय जो जवान थे वो हो सकता किसी पत्थर के पास बैठे होंगे, रात को पानी में ना गिर के वो कहीं निकल गए होंगे, और जब प्रकाशमय हुआ है तो उनके इर्द गिर्द उन्होंने पाया होगा शायद चाइनीज वहां पर है, लेकिन उन्होंने उनको वापस कर दिया ना, उन्होंने उनको वापस कर दिया। हमने भी चीन के लोगों को वापस किया है, तो हमने पकड़े थे, हमने तो कुछ लोगों की डेड बॉडी भी दी है उनको वहां पर उठाने के। तो ये लिखना कि वो कैसे पकड़े गए, अब आप वहां होते तो आपको पता लगता, और इसीलिए करता हूं, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो यहाँ पर आपने सुना जनरल DB शेकटकर, उनका कहना है कि जो गलतियां पहली सरकार ने की उसकी सजा फिलहाल हम भुगत रहे हैं, जो मौजूदा सरकार है उन्होंने जो सख्त कदम उठाने की बात कही है उन्होंने वैसा करना चाहिए, तभी जो जमीन हमारे हाथ से निकल गई है वो आना संभव हो सकता है। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक।